जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर कर दो, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में। फटाफट आप लोग शेयर कर दो, उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो बच्चों इंट्रोडक्शन में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कल से तो आपका पहला चैप्टर चलेगा, तो ये मत सोचना कि आज चैप्टर नहीं चलेगा, आज यहाँ पे फालतू बकैती होगी। नहीं, आज यहाँ पे जो सिखाएंगे ना वो बुढ़वा जवान सबके लिए ज़रूरी है। समझो आज क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे समझो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी साथी जल्दी से फटाफट लाइक करो, देर ना करो। हाँ, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बच्चा बिना सब्सक्राइब करे हो सकता है कि तुम कमेंट ना कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुरंत कर लो, देर ना करो। हाँ, और जो लाइक नहीं करे हैं ना उनकी भी मुसीबत बढ़ने वाली है, अभी कुछ देर में हो सकता है ऐसा, इसलिए लाइक भी करना नहीं भूलना। चलो, तो आज क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने तो बहुत अच्छा कुछ सजाया है नहीं पहले से। क्लास 9th का साइंस है ना, मतलब विज्ञान आप सभी जानते हो। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, ऐसे समझ लो, देखो हमें पढ़ना नहीं सीखना है। जैसे मान लीजिए आप सभी समझदार हो कि घर बनाना है, घर बनाना जानते हो ना, अरे वो घर नहीं जो बचपन में हम लोग मिट्टी से बनाया करते थे दिवाली पे, और दिवाली ख़त्म होने के बाद लोग तोड़ देते थे, ऐसा घर की बात नहीं कर रहे हैं। घर जो हम लोग के मम्मी पापा बनाते हैं, यानी हम लोग समझदार हो जाते हैं तब बनाते हैं, वो घर की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या लगता है, ईंटा, सीमेंट, बालू, लोहा, लंखड़, सब कुछ लगता है, मिस्त्री लगते हैं, आदमी लगते हैं, उन सब की व्यवस्था पहले की जाती है तब घर बनना शुरू होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया ईंटा खरीद ले आए भट्ठा से और घर बनाना शुरू कर दिए, बाद में सीमेंट लेके आएंगे चार दिन बाद, नहीं ना। तो वैसे अगर हमें 9th का क्लास पढ़ना है ना, तो यहाँ पे हमें सारी सामग्रियाँ पहले इकट्ठा करना है, मतलब सारा मटेरियल इकट्ठा करके तब शुरू करना है। और वो मटेरियल क्या है, यहाँ पे ईंटा लोहा नहीं दिखाएंगे ला करके तुमको, जो हमें पढ़ना है पहले चैप्टर में या पूरे साइंस में, उनका कुछ कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। तो बस उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। पवन कुमार, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय भरद्वाज भैया, देखो जो बच्चे शेयर करेंगे उनका नाम हम जरूर बोलेंगे, ठीक है, जो बच्चे शेयर करेंगे उनका नाम हम जरूर बोलेंगे। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करो, ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शिकायत होती है सर मेरा कमेंट नहीं जाता है। बेटा सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कमेंट नहीं आएगा, ऐसा सेटिंग है मैंने जो किया है। हाँ चलो, तो सबसे पहले आज हम दो चीज़ पढ़ेंगे, कुछ राशियाँ और उनके मात्रक, ये आपको याद कर लेना है या समझ लेना है या जो भी आपको समझना है। राशियाँ मीन्स क्वांटिटी, और एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें बच्चों, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो कि पहले ही चैप्टर से शुरू होता है। ये सेल्सियस को आपको केल्विन में और फारेनहाइट में चेंज करना, ये सेल्सियस केल्विन फारेनहाइट, इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मुसीबत हो सकती है, आप समझ रहे हो ना। तो ये दो चीज़ हम आपसे आज यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो कुछ राशियाँ, उनके मात्रक और उनके संकेत यहाँ पर हम लिख देंगे, उसके बाद फिर तुम लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट में चलोगे, जो मैं लिखूँगा उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, याद करना, समझना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले और क्या बात करने वाले हैं, राशियाँ मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग उसे करना। अच्छा एक बात बताओ, कक्षा 9 में आप लोगों ने वो पढ़ा होगा तत्व तो संकेत, उनके परमाणु क्रमांक पढ़े हो कि नहीं, बोलो सब, यस पढ़े हो ना। अच्छा कोई बताएं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है और उसका संकेत क्या होता है। भाई देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको तैयार नहीं करोगे तो फिर कक्षा 9 का साइंस भूल जाओ। अगर आप इनको सबको नहीं तैयार करोगे तो कक्षा 9 का क्या, तुम साइंस ही पूरा भूल जाओ, फिर कुछ नहीं आने वाला है। अगर साइंस पढ़ना है तो ये सभी मुख्य हथियार हैं। हमारे सवाल का सबसे पहले जवाब कौन दिया भाई, अमित सिंह बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है, हाँ मैंने पूछा सोडियम का परमाणु क्रमांक और उसका संकेत क्या होगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, सिराज आलम ने बताया सबसे पहले, विशाल प्रजापति उसके पहले बताए, मनीष दुबे इनको नहीं पता है, सचिन दिवाकर बहुत अच्छे बच्चे। देखो जो एन ए लिख रहे हैं बेटा वो कैपिटल में लिखो, नहीं तुम्हारा गलत है वो, मतलब समझ रहे हो, एन कैपिटल में, नहीं तो स्मॉल में दोनों लिखोगे तो उसका कुछ मतलब और भी हो जाएगा।
ठीक है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो Na होता है, ओ सॉरी संकेत Na होता है, उसका जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसे ना, वही 11 होता है। अगर आप ऐसे Na लिखोगे तो इसका मतलब लोग कुछ और समझेंगे, आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे लेटर का जो है विशेष ख्याल रखना है, कैपिटल स्मॉल, क्योंकि साइंस में बहुत सारे चीज़ों के जो संकेत है ना वो कैपिटल स्मॉल के आधार पे हैं। कैपिटल ए लिखोगे तो कुछ और मतलब हो जाएगा, स्मॉल ए लिखोगे तो हो सकता है किसी और का हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, आप समझ गए। अच्छा एक और बताओ, हम अपना जो मुख्य टॉपिक है उसको लेके तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपको आता कितना है, अभी आप पढ़े हो कि नहीं, ये मैं लिखवा दूंगा किसी दिन, ठीक है। आप ये बताओ, पोटास सुने हो, पोटास का परमाणु क्रमांक क्या होता है, पोटास जानते हो, पोटास का परमाणु क्रमांक और संकेत क्या होता है बताओ। नरेश जी कमेंट आ रहा है, दिवाकर, अंकित, चिराग, आरके म्यूजिक। चलो देखो समझो, अभी जो हम लिखवा रहे हैं उसको समझो, वो आप लोग बताओ, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले ऐसे कॉलम बनाओ, पेन और कापी लिए हो ना भैया, हाँ देखो हमारी क्लास में कापी और कलम लेके आना, दांत लेके खाली हाथ आके मुंह नहीं बनाना ऐसे, हाँ नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। अच्छे से पढ़ना है, सैटरडे को टेस्ट होगा, तुम्हें मालूम है ना, हर शनिवार अब तक गणित का टेस्ट होता था, अब विज्ञान का भी होगा, सैटरडे को पूरा दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, अगर अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि बढ़िया टॉप करना है लाइफ में, कुछ करना है। कोरोना बैच में बिना पढ़े पास होकर के ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं, हाँ इसलिए पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। ऑनलाइन में बहुत मज़ा आता पढ़ने में, अगर आप सिस्टम से पढ़ते हो तो। कृष्णा चौहान, कुलदीप, हाँ जी बेटा कमेंट आ रहा है, नीलेश, सबको आएगा। चलो देखो, तो कुछ राशियां और मात्रक और उनके प्रतीक मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लो, स्क्रीन शॉट ले लेना, मैं सामने से हट जाऊँगा, उन्हें सुबह शाम दो चार बार देखोगे सब याद हो जाएगा। वैसे भी ये सभी हमारे जीवन में प्रयोग होती हैं, कोई मुश्किल वाली नहीं है। देखो सबसे पहले राशि है बेटा लंबाई, लंबाई को क्या बोलते हैं, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं ना, यहाँ पे हम इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेना अगर सीबीएसई वाले हैं तो, इसे लेंथ बोलते हैं ना। तो आपने सुना होगा, ऐसे बताओ मुझे, अगर कहा जाए कि हमारे जो है सामने की सड़क की लंबाई कितना है, तो क्या बताते हो, क्या बताते हो, 10 किलो है, नहीं ना, मीटर में किलोमीटर में बताते हो ना। हमारे घर से स्कूल की दूरी कितना है, क्या कभी किसी के मुंह से सुने हो कि हमारे घर से स्कूल की दूरी 10 किलो है, नहीं ना, लोग कहते हैं 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, हा? मतलब मीटर में है ना वो, आप समझ रहे हो। तो लंबाई कहीं भी नापोगे तो क्या होगा वो, मीटर। आप कहोगे गुरुजी मीटर तो आप लिख रहे हो, सेंटीमीटर भी होता मैंने सुना है, हा? क्योंकि हमारी पेन की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, किलोमीटर भी है, हाँ बच्चा होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मात्रक है मीटर, आप समझ रहे हो ना, एक स्टैंडर्ड मात्रक होता है जिसे आपको मतलब सबको उसी के आधार पे लेके चलना पड़ता है, बाकी जैसे दूरियों पे डिपेंड करता है। अगर बड़ी दूरी नापना है तो किलोमीटर में नापेंगे, अगर मीडियम नापना है तो मीटर में, अगर बहुत छोटी नापना है तो सेंटीमीटर में। अब कहें कि हमारी कलम की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो भैया किलोमीटर में करोगे तो है इसका किलोमीटर में, लेकिन फिर वो पॉइंट में आएगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर सेंटीमीटर में नापोगे, आप समझ रहे हो ना, जितना बड़ा काम उतना बड़ा, ऐसे समझ लो जैसे मान लो आपको एक लकड़ी काटनी है, सूखी लकड़ी, अगर आपको पतली सी लकड़ी काटनी है तो आप उसे चाकू से भी काट सकते हो, हाँ छोटी कुल्हाड़ी से काट सकते हो, लेकिन अगर आपको इतना मोटा सूखा पेड़ काटना है तो क्या करोगे, चाकू से काटोगे तो बुढ़ा जाओगे, कटने वाला नहीं ना, तो उतना बड़ा औजार यूज करेंगे जितना बड़ा काम रहेगा, समझ गए। तो मीटर, अब इसका मीटर का प्रतीक क्या होता भाई, सिंबल क्या होता है मीटर का, यम होता है, यम ही होता है, कुछ और होता है, लिख लो आप सभी। उसके बाद अगर अगला बात करें हम, इसमें एक खतरनाक वर्ड था, पता नहीं कहाँ चला गया वो, जाने दो हटाओ, द्रव्यमान, इसे आप लोग लिखते चलो भाई, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब जानते हो कि नहीं, सभी इसको लिख लो फटाफट, ठीक है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं बेटा, ठीक है, मास। और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम। आपको पता है किलोग्राम को कैसे डिनोट करते हैं, केजी से। आपने सुना होगा, अक्सर लोग आजकल इंग्लिश मीडियम में जी रहे हैं, अगर दुकान पर भी जाते हैं चीनी लाने तो बोलते हैं कि ओ दादा 2 किलो चीनी, 2 केजी चीनी दे दीजिए, तो हाँ चीनी हिंदी बोलेंगे,
लेकिन किलो नहीं बोलेंगे, केजी बोलेंगे। सुने हो ना कि नहीं? मनोज सिंह बेटा पढ़ाई कर लो। राज, काजल, ये जो तुम लोग का चल रहा है ना, मैं देख रहा हूँ, पढ़ लो, नहीं तो कुछ होगा नहीं। हाँ चलो, अगला क्या है? तापमान। तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं बच्चा, ठीक है? कहते हैं ना कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी तड़प रही है, बहुत तेज हो रही है। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। वैसे हम यहाँ पे जो मात्रक लिखेंगे ऐसा ही पद्धति, आप जानते हो कि नहीं? हाँ, मात्रक तापमान का और भी होता है। आप देखो, सेल्सियस भी होता है, फॉरेनहाइट भी होता है। आप कह सुने हो कि नहीं, हमारे शरीर का जो तापमान है 98.6 फॉरेनहाइट है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 फॉरेनहाइट लगभग में होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारा टेम्परेचर 38 या 39 डिग्री हो गया शरीर का, तो हम कहते हैं बुखार है। क्या कहते हैं? बुखार है हमें। और आपने ये भी सुना होगा, कुछ डॉक्टर या कुछ हमारे आसपास के चचा लोग कहते हैं कि भाई फलानवा को 102 डिग्री बुखार था। 102 डिग्री बुखार नहीं होता वो। देखो, एक्चुअली 98.6 मतलब 98 मान के चलो, यानी 98 फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का जो है टेम्परेचर होता है। हाँ, अगर वो 98 से बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा? 102 बोल रहे हैं, मतलब 3 फ़ारेनहाइट बढ़ा है। तो एक प्रकार से बुखार देखा जाए तो 3 ही फ़ारेनहाइट है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? 102, 103 डिग्री भी बोलते हैं। हाँ, ये भी सुनो, डिग्री भी बोलते हैं। अगर 103 डिग्री किसी का शरीर का टेम्परेचर हो गया डिग्री सेल्सियस ना, तो वो जल जाएगा, समझ रहे हो? मतलब फिर उसको वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं होगी। चलो इसको, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, और उनकी हकीकत क्या है वो भी आप यहाँ से समझ जाओगे। तो आज से अब कोई कहेगा कि भैया 102 डिग्री बुखार है, तो उसको समझा देना इसका मतलब क्या है। समझ गए ना? प्रियंका समझ में आ रहा है? हिमांशु, शंकर राज, सबको समझ में आ रहा ना बच्चा? तो इसको लिखते जाओ फटाफट। देखो, जो भी वर्ड हम लिखेंगे उससे संबंधित बातें आपको बताएंगे, जिससे कि आपको वो याद हो जाए। मतलब इसे रटना नहीं है तुम्हें कि बैठ के रटो, न्यूटन 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 न्यूटन, मम्मी आए तू थप्पड़ मारे, पागल हो गया करे, चिल्ला रहा सुबह से बैठ के। रटना नहीं है, केवल समझ के चलना है। तो इसको लिखो बाहर। बाहर मतलब जानते हो बैठ, सुने हो ना? बैठ सुने हो ना? ऐसा तो नहीं कभी सुने हो कि, जैसे सुने नहीं हो कि भाई बहुत वजन बढ़ रहा है, मोटे हो जा रहे हैं, हाँ पेट निकल रहा है। लिखो चलो भार। भार का क्या होता है? न्यूटन। एक चीज यहाँ पे समझ के चलो, एक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है, मतलब उनकी पद्धतियां हैं, तो उनमें अलग अलग होता है। न्यूटन का यन। अगला लिखो घनत्व। घनत्व को बेटा डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। चिंटू सिंह, आ रहा कुछ समझ में? आ रहा है ना? किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको लिखो किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखो, ये प्रति का क्या मतलब है जानते हो? इसका मतलब बटे में होता है, लेकिन इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा केजी पर एम क्यूब आर। चाहे ऐसे लिखो, चाहे बच्चा देखो, कल जो मैथ पढ़ाया था ना, जो बच्चे आए थे उनको पता होगा, ये एम की पावर -3 पता है क्यों लगता है? साइंस में अगर तुमने पढ़ा होगा बेटा, तो मैंने ये एक रूल पढ़ाया था कि अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब ये है, ये घातांक का नियम में पढ़ाया था ना, पढ़ाया था 1/a^m = a^-m हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही, जो ये माइनस लग रहा है। याद रखना, गणित हमारा पीछा नहीं छोड़ती कभी। जब पैदा होते हैं तो जन्म तिथि नोट होती है इंसान की, बच्चा की, भाई फलाने डेट को फलाने टाइम पे पैदा हुआ। आजकल तो ये भी नोट होता है, पहले तो लोग डेट ही जानते थे। हाँ, हम लोग 90 के दशक में पैदा हुए थे, तो हम लोग को महीना भी नहीं पता था किस महीना में पैदा हुए थे। लेकिन आजकल तो लोग टाइम सेकेंड सब लिख के रखते हैं। कोई मर जाता है तब उसका भी नोट होता है, आजकल मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। यानी मैथ है ये पूरी जिंदगी, समझ लो। नॉन तेल हरदी मिर्चा खरीदने जाओगे, उसमें भी मैथ लगानी पड़ेगी, तो मैथ से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे कभी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैथमेटिक्स आपको पढ़ते चलना है। चलो, तो समझ गए। तो ये क्या है? प्रतीक है। किसका प्रतीक है बेटा ये? अरे मात्रक का प्रतीक है, ठीक है? तो ये हो गया। एक और लिख लो,
इन सबको आप लोग समझ के चलना, बाकी चीज़ें जो हैं ठीक हैं। नीचे मुझे लग रहा है कम दिख रहा है, तो नीचे मैं नहीं लिखूंगा, ऊपर लिख देता हूं एक और। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी करो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मंटू कुमार आ रहा समझ में बेटा? दिवाकर देखो मैंने 15 सेकंड के लिए शायद होल्ड किया था कि नहीं, आज मुझे लग रहा तुम लोग खुल्लम खुल्ला कमेंट कर पा रहे हो। व्हाट्सअप यादव जी गुड मॉर्निंग, लग रहा है उठ गए आप भी का। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बड़ा मतलब गुप्त बात है, हर दिन सो करके हम 10 से 11 बजे उठते थे क्योंकि सुबह 3-4 बजे सोते थे। लेकिन मैंने बच्चों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि भैया आप 15 तारीख से आपकी साइंस चलेगी सुबह, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि आखिर होगा क्या। हाँ सुबह हम उठेंगे नहीं सो के तो बच्चे मुझे घर आएंगे, और मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज हम सोएंगे ही नहीं, जब सोएंगे ही नहीं तो देर में उठेंगे कैसे, मतलब लेटेंगे ही नहीं। फिर 4 बजे के बाद लगभग ऐसा लगा नहीं लेटना ज़रूरी है, नहीं तो कोरोना टाइम में बीमार हो गए तो गड़बड़ है। फिर लेट गए, उसके बाद हमने एक वॉइस रिकॉर्ड किया, मतलब उसमें लिख मतलब रिकॉर्ड करके लगाया कि सुबह 7 बजे साइंस की क्लास लाइव है, बोलना नहीं। और उसके बाद अलार्म में वही टून बज रहा था बार बार, तो देखो दिमाग एक्टिवेट हो जाता है कि नहीं मुझे ये काम करना है। वैसे गाना लगा दो, कोई म्यूजिक लगा दो तो और मज़ा आता सोने में, फिर कोई जल्दी उठता नहीं, समझ रहे हो ना। तो काम याद होना चाहिए, टारगेट मालूम होना चाहिए कि हाँ हमें उठना है तो क्यों उठना है। चलो अगला लिखो, दाब 31 में और लिख लो बच्चा, यहाँ मैंने मिटाया हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो अगर जिसको पढ़ना है तो अच्छा है। पास्कल, पास्कल का संकेत क्या होता है जानते हो? पी ए, क्या होता है? पी ए। बच्चा चिराग जो ये तुम ढेर सारा इमोजी भेज रहे हो ना, अभी तुम ब्लॉक हो जाओगे तो रोओगे भी, हाँ इसलिए इमोजी मत भेजो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं साइड में हो जाता हूँ। ये तो मैंने सूत्र अलग से लिखा था, नहीं तो तुम लोग बड़े कंफ्यूज भी तो होते हो। चलो क्लियर है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ अच्छे से जिससे कि मेरी भी फोटो आ जाए। चलो हो गया भाई, तो ये था आज जो आप लोगों को इसको याद करना है। देखो हल्के में नहीं लेना बच्चा, अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो आगे चल के तुम साइंस वाइंस में समझ नहीं पाओगे इसको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ के सुबेरे सुबेरे किलोग्राम 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 करो इसको, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए हो कॉपी में लिखो, ऐसा नहीं कि जितनी भी मैं पढ़ाऊँ स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में इसे इसे स्लाइड करो, तो उसमें तुम इसकी जगह कुछ और भी देखने लगोगे। इसलिए क्या करो, इसको कॉपी में लिखो, हाँ कॉपी में नोट करो, जब पढ़ो तो मोबाइल लेके नहीं, जो नोट बनाए हो नोट्स बना रहे हो ना उसको लेके रिवाइज करो, फोन में नहीं। तो इसको लिख लेना। अब बात करते हैं आज का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, क्योंकि आज तो ये इंट्रोडक्शन वाली कहानी है, कल पूरी कहानी डिस्क्राइब करेंगे विस्तार से। आपको हम स्क्रीन पे ले चलें तो आप देखो क्या क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा रुकना, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पर ले चलने की। आप लोग देखो क्या यहाँ पे क्लियरिटी आती है कि नहीं। चलो स्क्रीन पे चलो, सभी स्क्रीन पे चलो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो दिखाने वाला हूँ। देखो बच्चा यहाँ पे आप न्यूमेरिकल पार्ट देख पा रहे हो, साइंस की बुक है ना तुम्हारे पास, सभी बताओ दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। अबे रुक जब भाई, देखो तो यार भाग गया, ये साइंस बुक लिए हो पहले, ये बताओ कितने लोग के पास नहीं है किताब। ये बच्चा जो मैंने लिखाया तुम स्क्रीन पे देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अबे रुक जब भाई, देखो तो यार भाग गया ये। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है। शालिनी यादव आप भी पढ़ाई करने लगी बच्चों वाली का, मुझे लग रहा है दिख रहा है स्क्रीन पे ना, सही दिख रहा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर मेरी राइटिंग तुम्हें गंदी लग रही। चलो ठीक है, अब नीचे आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये नहीं कि कक्षा 9 को ही पढ़ना है बच्चा। अगर आपके घर में कोई आपके बड़े भैया बहन है ना तो उनके लिए भी ज़रूरी है, अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट उनके लिए भी है, समझ रहे हो ना। अब देखो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में
कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनको कैसे एक दूसरे में चेंजिंग करते हैं, ध्यान से देखना। कुछ समझ में आ रहा है? ये भी जरूरी है अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिखा, कुछ समझ में आया? चलो ठीक है, तो फिर आ जाते हैं अब हम मुख्य जहाँ पर हमें आना है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो ये जो अभी आप देखे ना, इसके लिए कुछ आपको, अगर आप बेसिक एकदम सिस्टम से चलोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको सूत्र का थोड़ा सा एक ट्रिक बता दे रहे हैं। एक प्रकार से कैलकुलेशन किया हुआ पार्ट होता है। हाँ, जैसे आप देखो एक लकड़ी ले लो, हाँ एक लकड़ी ले लो छोटी सी, वैसे मोटी ताजी, तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन अभी लकड़ी का कोई वस्तु बनाओ, उसकी फिनिशिंग हो जाए अच्छे से बढ़िया से, देखने में चमकीली लगेगी, सुंदर सी लगेगी, तो उसकी बात अलग होती है ना। लेकिन आपको ये पता है कि वो जो अच्छी सी सुंदर सी आप देख रहे हो, उस पर बड़ा ही कारपेंटर कितना मेहनत किया होता है ना। तो वैसे हम मेहनत करके जो यहाँ पे आपको दिखा रहे फार्मूला, आप उसे नोट करो। और कुछ लोगों को पता होगा तो ये बताओ 37 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा? चलो जल्दी बताओ, 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ सभी बच्चे। रवि, चिंटू बच्चा आ रहा समझ में कुछ? कुछ लोग तो केवल बात ही चीत कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, एक एक को देख रहा हूँ, कल सबको ब्लॉक कर दूंगा, याद रखना। समझ रहे हो ना? आज हमारे टीम के मेंबर जो है ना, वो लोग सो रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि सुबह क्लास है, कल से उन सबको मैं सुबहरे गिर्रा गिर्रा के लाऊंगा और उन लोग को बैठाए रहूंगा यहाँ पे कि तुम लोग का कमेंट देखते रहे। हाँ चलो, क्योंकि सुबह क्लास तो होती नहीं थी। यहाँ पे समझो, देखो बच्चा एक बात तो मैं बता दूं, जो कक्षा 9 के बच्चे हैं या किस क्लास के हैं मुझे नहीं पता है, जो केवल चैटिंग कर रहे हैं, बच्चा देखो कुछ दिन तो चैटिंग करोगे, हाँ कुछ दिन तो मज़ा आएगा, उसके बाद फिर तुम खुद एक सजा बन जाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए करो, मैं नहीं रोक रहा हूँ, सब कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। हर चीज़ की एक जगह भी होती है। अब ऐसा नहीं किसी के मैयत में गए हो, शमशान में गए हो, तो वहाँ पे लोग मतलब उदास टाइप के हैं, तुम वहाँ गाना बजा के डांस करने लगो, तुमको लोग लतियाएंगे, समझ रहे हो ना। तो जैसे सिचुएशन हो उसके आधार पर करना चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई हो रही थी, यहाँ पर तुम बात कर रहे हो, तो यहाँ पे पढ़ाई हो रही तो पढ़ाई वाला काम करो ना। बात वाला काम हम भी करते हैं, संडे को आप देखो लाइव आओ 9 बजे, तो संडे को सिर्फ बातचीत करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। उसमें पढ़ाई वाला जो आता है उसको मार मार भगाते हैं, सिर्फ बात करते हैं संडे को। लेकिन अब तुम आज भी बात करोगे, कल भी बात करोगे, तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगी। चलो तो फिर, हाँ हम क्या बात कर रहे थे, ये लोग तो दिमाग ही सनका देते हैं। देखो बच्चा, हम बात कर रहे थे सेल्सियस, सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, हिंदी बड़ी कठिन है भैया, गलत होगी तो आप लोग किसी से बताना नहीं, लिख लो ऐसे लिखते हैं ना, अच्छा बनता भी नहीं बहुत। सेल्सियस को किस में बदलना है बच्चा? सबसे पहले तो हम केल्विन में बात करेंगे, किस में? केल्विन में। अब किताब उताब में देख लो सही लिखा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, नहीं मैं सही लिखा हूँ, नहीं तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो भाग जाते हैं, कहते हैं इनको खुद नहीं पता सही लिखें गलत लिखें, दमका पढ़े। हाँ तो यहाँ पे समझो, एक फार्मूला है, एक सूत्र है, या जो भी चीज़ तुम समझ लो, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है बच्चा। तो सेल्सियस बराबर जो इसका सूत्र होगा क्या पता है? अच्छा एक बात बताओ, कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है? हाँ मालूम है आपको, दिख रहा है पूरा स्क्रीन, क्लियर है ना? देखो सेल्सियस इक्वल होता है के माइनस 273, बस यही एक छोटा सा सूत्र है। या फिर तुम्हें ऐसे भी कर सकते हो, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, यानी इनका जो कुल मिला के कहानी है वो 273 पे ही रुकी है। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर केल्विन निकालना है हमें सेल्सियस से, तो सेल्सियस में क्या करना है, 273 जोड़ना है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सेल्सियस है वो केल्विन से 273 कम है, और उसको चूंकि बराबर करना है इसलिए इतना जोड़ा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? लवर ऑफ इंग्लिश कुछ समझ में आ रहा बेटा कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है ना, मजा आ रही ना? चलो तो ये क्या है, फार्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा, एकदम छोटा सा, अच्छा सा, प्यारा सा, साफ साफ दिख रहा है आपको, मुझे लग रहा है सही दिख रहा है कि नहीं, क्लियर?
एक बात बताओ, अच्छा दिख रहा है एकदम मस्त, चमक उमक ज्यादा तो नहीं है? सही है ना सब कुछ? प्रिया कुमारी, समझ में भी आ रहा है, चलिए ठीक है, आ रहा, अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना है, आपके किताब के क्वेश्चन लेने हैं बच्चा, तो किताब वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बार मैं क्वेश्चन दिखाऊं किताब का आप सभी के, देखो क्वेश्चन देखो, जो नाइन्थ वाले बच्चे हैं उनके में बुक का है, क्योंकि उन्हें बुक वाला ही चाहिए। देखो बच्चा, अगर तुम पहले चैप्टर में अभ्यास प्रश्न देखो एनसीईआरटी में, तुम्हें दिख रहा है कुछ कि नहीं? सभी बताओ दिख रहा है? अंकित, किताब के क्वेश्चन लेने हैं बच्चा, तो किताब वाले। चिराग, विनोद, रविराज, रंजना कुमारी, देखो समझो, पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो पहले केल्विन वाला देख लें। दिख रहा है कुछ कि नहीं? दिख रहा ना बच्चा? तो पहले क्या है, 300 केल्विन। अब हमें क्या करना है, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो चलो तुम लोग फटाफट जल्दी से मुझे जवाब बता दो कितना आएगा। 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो, मुझे बताओ कितना आएगा। सभी बताएंगे, एक एक बच्चा बताएगा। चलो 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, कितना आएगा भाई? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सभी बदल लिए, 600 कुछ आएगा ना? देखो मैं बोर्ड दिखाता हूँ, सोनम शर्मा मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा सही है। चलो मैं आता हूँ बोर्ड पे, तब फिर मैं तुम्हारी कहानी जो है ना तुम्हें दिखाता हूँ। चलो आओ, चलो देखो 300 था ना, क्या था अभी अभी तुम क्वेश्चन देखे हो बच्चा, 300 केल्विन को क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो भैया इसी में ला के पटक दो ना, हाँ, तो केल्विन को क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। ये तो केल्विन में चेंज करने वाला सूत्र है, हाँ, केल्विन में अगर दिया है तो ये होता है, इसका उल्टा होता है, के माइनस 273। ये फार्मूला अलग है, याद रखना, दोनों अलग अलग सूत्र हैं, ठीक है। तो हमें सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करेंगे, 300 माइनस 273। बच्चा घटाना उटाना आता है ना तुम्हें, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो ठीक रहेगा, सुंदर सुंदर ऐसे। 27 आएगा, ठीक है 27 आएगा, जुड़ेगा नहीं गधे। देखो कुछ ऐसे ऐसे नालायक हैं, कौनों तो जोड़ ले रहा है, अबे तुम पागल है पैदा हुए हो का? मैंने बताया कि ज़्यादा कौन होता है, केल्विन ज़्यादा होता है ना, केल्विन के बराबर सेल्सियस को करने के लिए 273 जोड़ा जाता है, तो ये गधे का कर रहे हैं, उसको उसमें जोड़ दे रहे हैं, कमाल है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी जो बच्चे और भी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक नहीं करे भाई, कौन सी ऐसी कमी है? नहाया धोया हूँ ना मैं, तब भी नहीं लाइक कर रहे हो क्लास, भाई लाइक करो जल्दी से ना यार। चलो जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट क्लास को लाइक, 24 घंटे में 24 बार लाइट कटती है, ये पता नहीं क्या किर्र किर्र कर रहा है इतना देर से। चल रहा है क्या? लाइक करो जल्दी से ना यार। चलो जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट क्लास को लाइक, 24 घंटे में 24 बार लाइट कटती है, चल रहा है ना? चल रहा है क्या? चलो ठीक है। तो बच्चों हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो गया चूँकि लाइट चली गई, तो मुझे कंफर्म लग रहा है इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा नया। वैसे कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी, हम सोच रहे थे क्यों 15,000-18,000-20,000 खर्चा किया जाए, पैसा वैसे ही नहीं आ रहा है, आप लोग फ्री में पढ़ रहे हो तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी इन्वर्टर आ जाएगा नया, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको पढ़ना है, बस सिर्फ पढ़ना है। कलर कैसे आ रहा है बच्चा? सब ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए। बात हमारी चल रही थी कि केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में बदलने की। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, हाँ, केल्विन को सेल्सियस में। तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए या केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए एक छोटा सा सूत्र यूज करते हैं। तो बच्चा आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया, अब दूसरे पे आओ।
दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं दिखा रहा हूँ जो तुम्हारी बुक में है, ये देख रहे हो ना 573 केल्विन है। बोलो सेकंड क्वेश्चन 573 केल्विन है ना बच्चा, इसे बताओ कितना आएगा। हाँ सेल्सियस में बदलोगे तो कितना आएगा, 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलो कितना आएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम्हें। हाँ विनोद समझ में आ रहा बच्चा कि नहीं आ रहा कुछ समझ में। अभी मैंने क्या बताया, देखो बहुत से बच्चे उत्तर बता रहे हैं। रवि बता रहे 200, राजकुमार तिवारी 300, जसबीर, चिराग, वैभव, रेणु गौतम, आदित्य दुबंसी, आर्मी लवर, सोनम, अनिल, साहिल, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को पता है बच्चों कि मैंने आपको एक सूत्र बताया, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है या केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, छोटा सा लगाना है। सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस में बदलने के लिए के का जो मान है कितना दिया भाई, कितना दिया था, 573 दिया था ना। हाँ 573 है ना के बराबर, तो बच्चा अगर के का मान 573 दिया है तो लाके यहाँ पटक दो, 573 माइनस 273 तो भैया सीधा सीधा 300 सेल्सियस हो जाएगा। हाँ क्यों सही घटाया हूँ, गलत है, 3 × 2 = 5 सही है, 300 आएगा ना, 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप लोग ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लोगे। कबे यार एकदम दिमाग चाट के रख दिया इसने, सही बता रहा हूँ, मतलब आना जाना लगा है, क्या कहूँ। चलो ठीक है, ये हो गया, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो समझो, लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है भाई, आज इन्वर्टर नया लगाना पड़ेगा मुझे कंफर्म लग रहा है, क्योंकि अब ना बहुत ओवर हो रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे आओ फटाफट, आपकी इंटरनेट डिसकनेक्ट नहीं हुआ हाँ, क्योंकि जुगाड़ मैंने लगा दिया है। आगे देखो आपको समझने लायक दिख रहा है। तो बच्चा अगला क्या है, आप लोग किताब लेके बैठे हो कि नहीं, चलो किताब में चलो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, क्या करिए, केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। हाँ तुम भी बंद हो जाओ, तो इसको आप लोग कर लोगे, वैसे मुझे बताने की कोई बहुत जरूरत नहीं लग रही भाई, कर लोगे ना इसको। तो बच्चों देखो यार, लाइट बार बार जा रही है, इंटरनेट नहीं खराब है, देखो वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को, अब तो फिलहाल सब कुछ सही दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा इसको भी ऐसे ही कर लेना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करोगे, हाँ केल्विन में बदलना है, के बराबर क्या लिखोगे, सी प्लस 273, तो इसमें 273 जोड़ोगे 25 में तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। अगर सेल्सियस का मान दिया है, केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो, तो 25 में अगर 273 जोड़ोगे बच्चा तो कितना आएगा, 298 आएगा। देखो हमारा ये कर्सर दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, हाँ दिख रहा है ना कर्सर, दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, माउस में कोई दूसरा वो बना लेता हूँ, मतलब मोटा सा सिंबल, थोड़ा सा रुको आप लोग देखो स्क्रीन पे, बस कुछ ही सेकेंड लूँगा मैं आपका, ऐसा कुछ सेटिंग होती है शायद, अगर बन जाए तो अच्छा है, आपको दिखेगा मोटा तगड़ा। हाँ मुझे उसके बारे में सीखना पड़ेगा, हमें लग रहा है पॉइंटर नॉर्मल सेलेक्ट बिजी, और क्या कह रहा भाई, हाँ ये गुड, चलो 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 चल भैया, आ जा, मिल गया, बंद हो जा तुम। देखो अब मैंने एक मोटा तगड़ा सा ताज़ा सा ये कर लिया पॉइंटर, ये देखो, लेकिन यहाँ पे मुसीबत है कि वो नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें कि नहीं, 273
25 डिग्री दिख रहा है ना, इसमें 273 जोड़ोगे 298 आएगा, ठीक है। और 373 सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस ना, कुलदीप कुमार कौशाम्बी बेटा कमेंट आ रहा है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 373 में क्या करोगे, 273 जोड़ोगे भैया। देखो दिख रहा है जहाँ पे मैं ये घुमा रहा हूँ कि नहीं कर्सर? नहीं दिख रहा तुम्हें तो और मोटा कर देता हूँ। चलो अब दिखा, 373 में 273 जोड़ोगे तब वो किस में आ जाएगा आपका, केल्विन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन में बताना चाहता था वो हो गया क्लियर, ठीक है। तो बच्चा 373 इसको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो मैंने बताया था के इक्वल होता है सी प्लस 273, तो भैया 373 में 273 जोड़ लो बचवा, तो 300 500 हो जाएगा, 73 कितना होगा 146, तो 646 आएगा। क्यों भाई सही लिखा हूँ गलत है, 646 आएगा ना, ऐसे जोड़ लो 3 3 6 7 7 14 3 2 5 1 6, ठीक है। तो भैया आज का मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म कर देना चाहिए। इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या बताया आपको, पहले तो कुछ राशियां बताया जिनके मात्रक और संकेत मैंने आपको बताए, और कुछ आप लोगों से इम्पॉर्टेंट मतलब डिस्कशन हुआ। मैंने ये भी सोचा था कि देखते हैं कितने बच्चे जुड़ते हैं, अगर बच्चे 100 200 नहीं जुड़ेंगे तो क्लास चलाना संभव नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा बच्चे जुड़े, तो अच्छी बात है। आप लोगों ने डिग्री को सेल्सियस, सेल्सियस को डिग्री में बदलना सीख लिया। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछूं इसमें से, आप लोग बताओगे? हाँ संदीप कुमार बेटा डेली होगी, संडे को कोई गारंटी नहीं है, संडे को छोड़कर रोज होगी, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, ठीक है, सुबह 7 से 7:45 का बीच में टाइम है, ठीक है। साइंस शाम को 7 बजे, मैथ जरूर पढ़ना, जो भी बच्चे इसमें पहली बार जुड़े हो बेटा याद रखना शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स की लाइव में आना। मैथ थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन मैं बहुत मज़ेदार तरीके से बताता हूँ, तो शाम को 7 बजे आना, और अपनी वाली को अपने वाले को भी लेके आना, अकेले नहीं आना। चलो तो आगे हम क्या बात कर रहे थे, ये बताओ मुझे 37 डिग्री सेल्सियस इसको फारेनहाइट में बदलो कितना आएगा, फारेनहाइट की तो आज हम बात नहीं करें, केल्विन की ना, फारेनहाइट वाला भी बता दूँ क्या, वो तो आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में तो नहीं है फारेनहाइट, मतलब अभी नहीं है पहले चैप्टर में, बाकी आगे तो मिलेगा, तो जाने दो जब मिलेगा तब बताएंगे, नहीं तो वैसे भी तुम लोग कहाँ पढ़ते हो। व्हाट्सअप यादव भाई लग रहा है मुझे आप भी सीखना शुरू कर दिए हैं का। चलिए देखिए के प्लस 273 इसमें भी कर लो, इसको कर लेना। अच्छा वो भी बता देता हूँ क्योंकि कुछ इसमें कॉम्पिटिशन वाले बच्चे भी जुड़े हैं, तो कंपटीशन में हो आप या 9th में हो 10th में हो किसी भी क्लास में हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चा देखो जो अभी अभी हम बात कर रहे थे ना, क्या कि हमारे जो स्वस्थ बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो 37 डिग्री होता है। तो जब कोई इंसान को बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 समथिंग होता है। यहाँ पे समझो एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है, अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फारेनहाइट लगभग होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि भैया 37 को फारेनहाइट में बदलो, अक्सर देखो बहुत जगह मिलता है आपको मतलब पढ़ाई लिखाई में या वैसे भी लाइफ में, जहाँ पे आपको कोई भी राशि का जो है वो फारेनहाइट में मान लो दिया है, तो आप उसे सेल्सियस में कैसे समझोगे? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप यहाँ पे समझो, एक फार्मूला है C/5, ये हल करके लगता है तब जाके आपका आता है F-32/9, इसी में रख करके आप अदली बदली कर सकते हो, ठीक है। देखो ये 37 वाला मैं बता दूं क्या, चलो मान लेते हैं कि हमें 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, हमें फारेनहाइट में लाना है, तो इस फार्मूले की सहायता से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अनुराग समझ में आ रहा कुछ? अरे थोड़ा बहुत बुझा रहा कि नहीं बेटा? चलो ठीक है, अगर तुम्हें 5% भी समझ में आ रहा है तो हम मानते हैं कि हमारी क्लास सक्सेसफुल है,
क्योंकि सबको थोड़ी समझ में आएगा। वैसे तो सब इसमें पढ़ने के उद्देश्य से आए भी नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग उद्देश्य भी है। तो देखो यहाँ पे समझो, ये फार्मूला थोड़ा मैं साइड में करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें जगह भी तो चाहिए। एफ माइनस 32 अपान 9, हमें क्या करना है 37 डिग्री को चेंज करना है। अब यहाँ पे समझो बच्चा, देखो या तो हम पढ़ा ही लेंगे तुम्हें या तो तुम्हारा कमेंट ही पढ़ पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरा कमेंट बोलो, मेरा नाम बोलो, तुम कौन आसमान में तीर मार लियो जो मैं तुम्हारा नाम बोलूँ, हाँ काहे बोलूँ बताओ, ना तो तुम उत्तर बता रहे हो। तो देखो बच्चा 37 डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना है फारेनहाइट में चेंज करना है। तो ये सी का मान दिया है 37, इसे रख दो 5 ऐसे ही रहेगा। एफ माइनस 32 अपान 9, देखो 98.6 आना चाहिए, अगर ये आता है तो सूत्र सही है, नहीं आता है तो गलत है। 98.6 आना चाहिए। चलो इसका क्रॉस मल्टीपल करो, तिरछा गुणा करो आप लोग, तो 9 का इसमें करो, 9 × 7 = 63 और 9 × 3 = 27, भाई यही तो होता है ना, 7 × 9 = 63, 27 और 6 जोड़ो, 27 × 3 = 30 = 33, ये ठीक है इसमें हो गया। और इसका इसमें करो तो ये 5 और एफ माइनस 32 ये हो जाएगा। मल्टीपल तो फिलहाल मुझे करना ही पड़ेगा तो करके ही लिखता हूँ। अच्छा ये बताओ कोई कर लिया क्या, गुनवर गेमो बेटा पढ़ लो, पढ़ लो नहीं तो तुम परमोट की बजाय डिमोट हो जाओगे, हाँ पढ़ लो। तो ये हो जाएगा 5f − 5 × 10 × 15 = 16 तो यहाँ से अगर हम इसको इधर ले आएँ तो 333 + 160 = 5। अरे यार यहाँ f था भाई, के कहाँ से आ गया, f यही जो ऊपर था। तो इनको दोनों को जोड़ लो, किसी का आया क्या सर 99 पॉइंट आ रहा है, अरे 98 आएगा गधा है, 99 नहीं आएगा, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा फिर, 98 आएगा। चलो जोड़ो, देखते हैं जो भी आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसमें जोड़ो 3 आएगा, इसको जोड़ो 9 आएगा, इसको जोड़ो 4 आएगा, क्यों सही है भाई, 300 में 100 जोड़ोगे 400 होगा, 60 में 33 जोड़ोगे तो 93 होगा, तो सही तो है, इक्वल 5f। अब 5 से भाग करो इसको भैया, चलो भाग करना तो तुम जानते हो, बड़े पुराने खिलाड़ी हो, चलो भाग करो, दशमलव में कितना आएगा, ये 98.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले मुझे ये बताओ, भाग करके देखो। अब मैं भाग करना भी बताऊं इधर, तुम लोग बहुत गधे लड़के हो, सही बता रहा हूँ, मतलब सब कुछ मैं बताऊं, आ रहा है कि गलत आ रहा है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर नहीं आएगा, वैसे आएगा कंफर्म है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही है घिसा पिटा मजा हुआ सूत्र है, आ रहा है ना 98। तुम लोग बेवकूफ हो, मुझे तो बेवकूफ बना ही रहे हो, देख लेते हैं फिलहाल क्या आ रहा है। ठीक है चलो चलो चलो, तुम लोग पे भरोसा नहीं करना है। 5 × 9 = 45 = 4 चार आएगा बच्चा, उसके बाद ऊपर से 3 उतारोगे तो फिर से भाई मुझे लग रहा है ज़्यादा जा रहा है, कहिए ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है ना, हाँ ज़्यादा हो रहा है, भाग करने पे आ रही है तो नहीं, ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अरे मेरा भी दिमाग तुम लोग को देख के चकरा गया, 8 ही बार तो जाएगा, 5 × 8 = 40। ठीक है घटाने पे 3 आया, ऊपर दशमलव बढ़ाओ 0 उतारो, 5 × 6 = 30। यार तुम लोग सच्चे में बेवकूफ़ बना दो ना, अच्छे अच्छे बेवकूफ़ बन जाए। तो ये फाइनल में हो गया f इक्वल 98.6, देखो वही तो आ रहा है ना, सही है। ठीक है मेरा भी दिमाग चकरा गया, मैं सोचा कि ये तो फिर उतनी बार जा रहा है। ठीक है तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करते हैं, आपने समझा ना।
इस तरह से आप कोई भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। अक्सर जो बच्चे कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके कंपटीशन में भी आ जाता है ऑप्शन में बीच बीच में, कहीं सामान्य विज्ञान में ऐसे पूछ लेता है कि 98.6 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ऑप्शन दे देगा। अब वो पहली बार ज़िंदगी में देख रहे हैं ये फ़ारेनहाइट क्या है, पहली बार सुन रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी धड़कन बढ़ेगी, होगा कुछ नहीं। हाँ राज मिश्रा, ललित, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, क्लास का टाइम तो ख़त्म हो गया, कौन कहाँ से जुड़ा है, चलो जल्दी फटाफट बताओ। ये फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हमारी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हो रही है, तो आपको अपना ज़िला बताना है और राज्य बताना है, आपको अपना ज़िला बताना है और राज्य बताना है, आप कौन से ज़िले से और कौन से राज्य से हो, चलो जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, जैसे हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं, वैसे आपका कौन सा ज़िला है, कौन सा राज्य है। और हाँ इसमें मैं आप लोगों को रोकूंगा इसलिए क्योंकि आप लोग इतना बार कमेंट करोगे कि दूसरे का नहीं आएगा, इसलिए ये मैं कमेंट रोकूंगा आप लोगों का कम से कम दो दो मिनट के लिए। यूपी के भाई फैजाबाद से हैं अंश यादव, अंश भाई फैजाबाद नहीं अयोध्या बोलिए, क्योंकि अब लीगल तरीके से बदल दिया गया है। हाँ तो चलिए ठीक है, मैं तो ऐसे पढ़ नहीं पाऊँगा, पहले मुझे कमेंट रोकना पड़ेगा कि जो ये बहुत तेज़ी के साथ कमेंट कर रहे हैं ये एक एक मिनट में करें। चलो कमेंट की स्पीड मैंने कम कर दिया, स्लो मोड एक्टिवेट हो गया, अब मुझे पढ़ने में आएगा भाई, आप चलो बताओ, अब कमेंट करो आएगा। प्रतिमा विश्वकर्मा एमपी के रीवा से हैं, वहीं चांदनी कुमारी नवादा बिहार से हैं, संक जैक जह साडोल एमपी से हैं। देखिए कमेंट एक एक मिनट में आएगा ना, इसका मतलब ये है कि कापी पेस्ट नहीं कर पाओगे तुम, कापी पेस्ट नहीं कर पाओगे तो मैं पढ़ पाऊँगा। मनीष दुबे सागर मध्य प्रदेश से हैं, अरविंद कुमार गाजीपुर यूपी से हैं, मनीष कुमार पाली जिला से हैं। भाई पाली कहाँ पे है मुझे कन्फ्यूज हो रहा है, एमपी में है क्या भाई, पाली मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कहाँ कौन से राज्य में है। ललित कुमार यूपी से हैं भाई, अलीगढ़ से, अभिनव यादव हैं ईटा उत्तर प्रदेश से, मनोज यादव यूपी आजमगढ़ से हैं, धोनी गुप्ता बिहार से हैं, अभी बिहार यूपी एमपी और कोई राज्य से भी हैं भाई, बस यही सब हैं का। पूनम सिंह अयोध्या यूपी से हैं, पूजा कुमारी आगरा यूपी से हैं, अंकित कुमार जी भाई बिहार के मोतिहारी से हैं, चिराग जी हैं पता नहीं कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं अनिस मीना, अच्छा हैं। ममता मौर्य यूपी के अंबेडकर नगर से हैं, वहीं सरोज कुमार रवि किशन ये बेतिया बिहार से हैं, और शीश राम सैनी रेनू यूपी और रैया से हैं, नीलेश मनीष पाली अच्छा राजस्थान में, मैं कंफ्यूज हो रहा था। हाँ ठीक है भाई मनीष, वेरी गुड। सोनू यादव, विशाल कुमार प्रजापति, बच्चा देखो एक एक बार करो। राज वर्मा लखनऊ से हैं, यूपी से, ठीक है तो ठीक है। महाराष्ट्र वाले भी हैं भाई, तुरुसे हजारे महाराष्ट्र से हैं, मोनिका निषाद देखो मैं तो समझ ही नहीं रहा था, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं, चलिए ठीक है। यानी लगभग कम से कम 5-6 राज्य से बच्चे हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, 28 राज्य है ना भारत देश में प्रेजेंट टाइम में, तो भाई 28 में 28 राज्य के नहीं तो 25 राज्य से तो बच्चे आने चाहिए ना। हाँ लेकिन ये हिंदी में क्लास होती है, सभी हिंदी नहीं समझ पाते ना, ये मुसीबत है। आदित्य कुमार यदुवंशी प्रतापगढ़ यूपी से हैं, पूनम सिंह हमें टाइम बता दीजिए, पूनम सिंह सुबह 7 बजे से साइंस, शाम को 7 बजे से मैथ, तुमको टाइम भूलना नहीं है, सुबेरे 7 बजे शाम को 7 बजे। अभी इंग्लिश और सब्जेक्ट भी चलेगा, उसका टाइम हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक एक मिनट के लिए मैंने आप लोगों को रोका है कि एक मिनट से जल्दी कमेंट ना आए, इसलिए आपके कमेंट थोड़ा धीमा आ रहे हैं। प्रियंका यूपी प्रयागराज से हैं, जो यूपी वाले हैं भैया या बिहार वाले हैं या किसी भी राज्य से हैं, आप ऐसे समझ लो एनसीईआरटी अगर किताब है, एनसीईआरटी पैटर्न है, तो ये सारा नियम वही होगा। ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला, अगर तुम किसी और बोर्ड से हो तो ये सूत्र बदलेगा नहीं, हाँ कि हमारा बोर्ड बदल गया तो गुरुजी ये जो 273 होता है ये 273 की जगह 275 रखेंगे, नहीं कोई नियम और सिद्धांत नहीं बदलेगा। तुम्हारा बोर्ड या तुम्हारी प्रकाशन की किताब बदलने से सिर्फ तुम्हारा
चैप्टर नंबर बदलता है, एक्सरसाइज बदलता है, अपनी दुकान चलाने के लिए लोग उसमें इधर उधर हेरा फेरी करते हैं, वो अलग बात है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है चिंटू जी, भाई चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान के चुरू जिला से हैं, स्वामी बलदास, यूपी उंडेरिया, ये उंडेरिया का है भैया,